Good morning friends, today I am going to discuss on even reaction mechanism. कल के वीडियो में मैंने जिसे मैंने नाम दिया है पार्ट 23, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन को पहले क्लियर किया है आपको बड़े सिंपल वे में, उसमें मैकेनिज्म मैंने नहीं समझाई है। आज आप even reaction mechanism समझेंगे और इसकी सारे जो एस्पेक्ट हैं वो आपको समझ में आएंगे। जरा देख लीजिएगा, चलिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक जितनी जरूरत है मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें छूट भी सकती हैं वीडियो में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको सारे टॉपिक के अंदर वो चीज मेंशन जरूर होगी। अगर फिर भी नहीं होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपने सर एक चीज छोड़ी है तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको मेंशन जरूर करूंगा। तो इवन रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां से ले लेते हैं अपन इसको। इवन रिएक्शन, ये रिएक्शन टू स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में आप मान सकते हैं इसको इस टाइप से शॉर्ट में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोपेप्टाइड। पहली चीज तो इसमें ये होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोपेप्टाइड फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। ये इतनी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। दो बातें याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। ये दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जो कुछ जानना है इसी के अंदर जानिए। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन किसके द्वारा हुआ? बाई, इसी में जोड़ देता हूं, बाय बेस। इसमें बेस की रिएक्शन बनाई जाती है। एक तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन का मतलब भी यहां पर बता रहा हूं, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, हेटरो लाइटिक क्लीवेज। Of alkyl halide, ये दूसरी बात है, इसकी वजह से वो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसे हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, और ये सेकेंड जो आप देख रहे हैं ये हमारी सेकेंड स्टेप है। ये जो स्टेप आप जो फर्स्ट वाली होगी इसे हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा जो इवन रिएक्शन मैकेनिज्म है या इवन रिएक्शन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें दो स्टेप होती हैं, एक होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इससे स्लो स्टेप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है। और इसी वजह से ये रिएक्शन जो है केवल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन पे ही डिपेंड करती है, यानी एल्किल हैलाइड का हेटरोलाइटिक क्लीवेज होता है
तो इसका केवल एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन के बारे में अगर अपन बोला जाए, इसकी रेट बताई जाए, तो रेट इज इक्वल टू होती है के इनटू एल्काइल हैलाइड, यानी सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एल्काइल हैलाइड। और दूसरा फर्स्ट स्टेप में और कोई दूसरा सब्सट्रेट या रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो रेट काय पर डिपेंड है, ओनली एल्काइल हैलाइड पर, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, और इसको आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आप इसे बोलेंगे। इतनी सी बात है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन बाय बेस। तो देख लीजिए दोनों स्टेप हमें कैसे करना है, इसको मैं यहां पर बता रहा हूं। उसके अलावा ये आपको मैंने पीपल रिएक्शन का पहला पार्ट बताया है, सेकेंड पार्ट जो आपको याद रखना है इसमें, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट आपको याद रखना है, इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, रीअरेंजमेंट ये हम आपको इसमें सिखाएंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन का जहां पर फॉर्मेशन होता है वहां रीअरेंजमेंट जरूर होता है, और ये जो रीअरेंजमेंट होगा वो कार्बोकैटायन बनने के जो बनता है, तो कार्बोकैटायन जब बनेगा तो उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा, तो रीअरेंजमेंट होता है इसमें कार्बोकैटायन का। और एक स्टेप इसमें और जो जरूरी है, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब बनते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है इसका कैसे पता लगाएंगे, इसे हम जानेंगे सेट जेट रूल से, सेट जेफ रूल, ये भी आपको इसी रिएक्शन में बताने वाला हूं। तो ये सेकेंड पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है ईवन रिएक्शन मैकेनिक, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक इसके संग हम रीअरेंजमेंट और साथ में सेट जेफ रूल को भी क्लियर नहीं कर लेते, तो इन दोनों को भी हम इसी रिएक्शन में क्लियर करने वाले हैं। तो पहले मैकेनिज्म, फिर उसका रीअरेंजमेंट या सेट जेफ रूल, कोई भी पहले ले सकते हैं, और इन तीनों को मैं समझाने वाला हूं और इसमें रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां भी CH3 और ये जुड़ा हुआ है CL या कोई दिया, यानी ये हमने कोई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, और इसके बाद इसमें क्या होगा, हेट्रोनाइट्रिक क्लीवेज होगा, बीआर यहां से यहां पर चला जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन बन गया और प्लस बीआर नेगेटिव, ये बाहर हो गया, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये पहला काम है। अब इसमें जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे जुड़ा हुआ जो भी कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाता है, ये भी बीटा कार्बन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा से क्या निकल गया, बीआर अलग हो गया, और बीटा से हमें हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ पर एक प्रोटॉन निकल जाएगा, काय के द्वारा, बेस के द्वारा। अगली स्टेप में क्या होने वाला है देखिए, अब इस पर बेस की रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये रहा बेस, बेस को मैं बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं, बी नेगेटिव,
ये हमारा बेस है, कुछ भी बेस मान लीजिए, तो ये बेस के द्वारा रिएक्शन करेगी, तो ये क्या करेगी, ये हमारा जो सी एच थ्री दे रहे हैं, इस सी एच थ्री को मैं ऐसे दिखा देता हूं, सी एच टू और एच, ये देखिए, तो ये जो बेस है ये प्रोटॉन पर अटैक करेगा और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये यहां पर से तो जो कंपाउंड बनने वाला है वो ये होगा, देखिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर क्या है सी एच थ्री, और यहां देखिए ये एच निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस बी एच प्रोटॉन लेके बेस की रिएक्शन से हमारा बी बन गया, तो ये एल्कीन बन जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटील, आइसोब्यूटील, ये हमारी इतनी सी स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ईवन रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये जो स्टेप कहलाती है वो स्लो स्टेप है जो मैं ऊपर ही बता चुका हूं, इसलिए इसको आरडीएस के नाम से जाना जाता है, और ये वाली स्टेप फास्ट होती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑनली डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड्स का कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर रेट पर अंतर आएगा, लेकिन अगर हम बेस का कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करेंगे तो इससे हमारी रिएक्शन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है इसमें अगर कार्बोकैटायन ये जो बन रहा है, कार्बोकैटायन यहां भी बनेगा पर रीअरेंजमेंट, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग यानी सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बेंजाइल, फिर एनाइल, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल एंड विनाइल, इस टाइप से रहते हैं, तो जो अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो उसे हम हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग या फिनाइल शिफ्टिंग के द्वारा उसे हम स्टेबल बनाते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये रिएक्शन आप कई बार और भी जगह देख चुके हैं, तो पहली चीज तो आपकी मैकेनिज्म होगी, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं सैटजेब रूल को पहले देख लीजिए। अब देखिए सैटजेब रूल कैसे काम करेगा, सैटजेब रूल कि हमें जरूरत कहां पड़ना है ये समझ लीजिए, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बन रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका पता हम सैटजेब रूल से लगाते हैं। तो इसके लिए क्या आपको याद रखना है, मोर, ये आपको ट्रिक पहले बता रहा हूं इसकी, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, मोर सब्स्टी ट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि इसमें फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, इज मेजर प्रोडक्ट, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसा होता है अगर नहीं जानते हैं आपको मैं रिएक्शन में भी आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं उसके द्वारा इस रिएक्शन को आपको समझाता हूं। देखिए ये ले लेते हैं इसमें CH3 CH2 CH3 ऊपर भी CH3 नीचे यहां पर मैं लगा देता हूं दिया, बस मुझे आपको इस एग्जांपल के द्वारा दिखाना चाहता हूं कि टू प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड, इससे हम रिएक्शन को समझ सकते हैं, तो ये टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड है, इसको दूसरे नाम से अगर जानेंगे तो आप बोलेंगे टू ब्रोमो टू मिथाइल और क्या कहेंगे ब्यूटेन, ठीक है,
ये होते हैं कंपाउंड एयर। अब इसमें ये जो बियर है ये लिविंग ग्रुप है, जैसे ही हम इसकी बेस से रिएक्शन कराएंगे, बेस को मैं ऐसे मान लेता हूं OH नेगेटिव, और पर मैंने आपको बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया था, ये लिख देता हूं OH नेगेटिव, तो सबसे पहले एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन में, यानी Br रिप्लेस होकर के कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा। तो देखो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, नीचे CH3 और ऊपर ये आ गया आपका कार्बोकैटायन, यानी यहां से मैंने Br को रिप्लेस कर दिया, आगे क्या आएगा CH3। तो वो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो इसमें लिबरेशन प्रोटॉन का लिबरेशन कहां से होता है, बीटा कार्बन से, तो या तो ये यहां से हो सकता है या फिर ये यहां से होगा या फिर ये यहां से होगा बीटा कार्बन से। तो ये वाला बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन तो सेम है, लेकिन ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो हम दोनों के ही प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा मोर स्टेबल है। तो देखिए हाइड्रोजन को लिबरेट करके आपको दिखाता हूं, अब इसे हमने यहां पर दोबारा से ठीक, अब मैंने इस पर किसका के ये OH की रिएक्शन से हमने कंपाउंड बनाया, अब हमें प्रोटॉन को निकालना है, तो प्रोटॉन यहां से भी निकाल सकते हैं, तो इस पर भी स्टार लगा देता हूं मैं, या फिर प्रोटॉन को मैं यहां से निकालूंगा, दोनों की कंडीशन में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको मुझे बताना। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, अगर मैं यहाँ इसको यहाँ से निकालता हूँ तो देखिए ये सी एच रह जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट दो ऐसे बनेंगे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी नीचे सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री आगे सी एच थ्री, देखिए ये प्रोडक्ट तो ये बन गया। और अगर मैं यहां से निकालता हूँ इस सी एच थ्री से, तो प्रोडक्ट देखिए ऐसा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C नीचे डबल बॉन्ड CH2 और आगे CH3, ये देखिए दो प्रोडक्ट बन गए। इसको पहचानने के लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड किसे कहते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड की पहचान होती है कि जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहां से पता लगाएंगे, देखिए यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इससे जुड़े हुए कार्बन जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो देखिए इस वाले से जुड़े हुए 3 3 6 और 9 कार्बन है, तो इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। इसमें देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से देखो कितने हाइड्रोजन है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो इसके बनेंगे 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोर स्टेबल। ये होगा यानी इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी और इसकी मात्रा कम बनेगी। तो ये होता है हमारा सेट जो रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि इस मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ, ये वाला, दोबारा इसको लिख लीजिए, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये हो गया। तो सेकेंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा इस सेट के रूप में। तीसरा बात, इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, तो इसको आपको रीअरेंजमेंट कैसे होगा, जब कार्बोकैटायन बनता है तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए हमें शिफ्टिंग करना होती है, जिसे हम तीन नाम से बोल सकते हो, 1-2-hydride shifting, 1-2-methyl shifting, 1-2-phenyl shifting। तो देखेंगे जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा हम उसी के हिसाब से शिफ्टिंग करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको अभी और बता रहा हूं, तो देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा जी, सेकंड पार्ट हो गया ये, थर्ड पार्ट क्या समझ लीजिए। इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बड़ा एग्जांपल लेके सब कहता हूं आपको, यहां पर ये देखिए ये रहा फिनाइल, इसमें ये सी है, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, आगे ये सी एच टू, उसके बाद ये सी,
उसके बाद CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें एक कार्बन हम कम कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पर लेते हैं हम सी और ये हो जाएगा यहाँ पर बी आर, आगे CH3 और यहाँ पर कर देते हैं CH। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, कोई बनाया हुआ। मुझे केवल इसमें आपको क्या सिखाना है, रीअरेंजमेंट सिखाना है। ये रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूं तो शिफ्टिंग जरूरी है या नहीं है ये हमें देखना है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं जैसे ही इसे रिएक्शन कराऊंगा आगे, तो पहले क्या बनेगा, इसकी जैसे ही इसकी कंडेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बीआर, यहां बीआर जो है हम हटा करके कार्बोकैटायन बनाना आपको बता रहे हैं। देखिए ये रिएक्शन को जैसा का जैसा करिए, पहले तो आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लीजिए, जैसा हर बार करते हैं, वो मैकेनिज्म आप ऊपर सीख चुके हैं। ये देखिए और यहाँ पर ये CH से मैंने बीआर को लिब्रेट कर दिया है। देखो यहाँ पर बीआर को यहाँ से लिब्रेट किया है तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आगे क्या है CH। देखिए कार्बोकैटायन जो इसमें बन रहा है वो 2° कार्बोकैटायन है, तो इसमें अगर हम बगल वाले कार्बन की बात करें, यहां से अगर मिथाइल को मैं अगर यहां शिफ्ट कर दूं तो ये 3° कार्बोकैटायन हो जाएगा, यानी बेंजाइलिक कार्बन कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखिए अगली स्टेप में मैं इसको 1 लिखूंगा, यहां पर 1, 2 मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग कैसे करेंगे, ये मिथाइल यहां से यहां पर शिफ्टिंग हो जाएगी, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये रिएक्शन बनेगी। अब यहां पर क्या हुआ, सी ऊपर CH3, ये इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मिथाइल यहां से कहां चला जाएगा, इस CH पर, नीचे क्या आ जाएगा CH3। देखिए पहले 2° कार्बोकैटायन था, अब क्या हो गया, ये 3° कार्बोकैटायन, और 3° कार्बोकैटायन भी कैसा है, बेंजाइलिक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पर इससे देखेंगे तो बीटा कार्बन कौन कौन से, देखिए एक तो बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है। अब यहां से हमारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, किसके द्वारा, बेस के द्वारा। तो अब इसे हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो उसके लिए हमारा सेट जो है यहां पर फिर लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से मैं पहले एच को यहां से रिप्लेस करके दिखाऊंगा, इसको नंबर 1 दे देते हैं और फिर एच को मैं यहां से रिप्लेस करके दिखाऊंगा, इसको नंबर 2 दे देते हैं, देखते हैं कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, माइनस एच ओ पॉजिटिव, इससे निकालना, 1 से नहीं निकालेंगे, ये मैंने इसको 1 नंबर दिया है इस वाले को और इसको 2 नंबर दिया है। देखो जब इससे निकालेंगे तो प्रोजेक्ट कैसा दिखाई देगा आपको, ये नंबर 1 में बना हुआ है, यहां पर दोनों चीजें दिखा रहा हूं। इस स्टेप से हम रिएक्शन को समझ सकते हैं, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, भले एग्जांपल मैंने ज्यादा दे के आपको समझाया, इससे आपका एक क्लियर हो जाए पूरा। तो देखिए यहां पर मैं ये लिख रहा हूं सी, जब यहां से एच निकलेगा तो बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड CH2 और आगे CH, नीचे CH3 और आगे भी CH3, एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया, ये नंबर 1 वाला है। अब 2 वाले को देखो प्लस, अब मैं यहां से एब्स्ट्रैक्ट करूंगा इस प्रोटॉन को, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो साइड जेल रूल से आप पहचान लेंगे। ये रहा
इसमें इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे नहीं बोलेंगे, इस बार इससे हमें एच निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉन्ड, कहाँ आएगा ये एच निकलेगा तो बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड सी एच, और नीचे क्या आ जाएगा, एच तो निकल गया तो हाइड्रोजन हटा दीजिए प्लीज, और आगे क्या होगा सी एस थ्री, यानी आपको बैलेंस ही अपने आप याद रखना है। ये देखिए बड़े आसान से बना पा रहा है, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये नंबर टू वाला हो गया, ये नंबर वन है और ये नंबर टू। अब देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसमें आप सेट जब लगाएंगे इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझना मल्टी बॉन्डेड डबली बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है, उस कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुड़ा हो मल्टी बॉन्डेड कार्बन से उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है तो वन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है इसका, वन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है इसका। इसमें देखेंगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, सॉरी देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, इस कार्बन से एक कार्बन और इस कार्बन से कार्बन, टोटल सिक्स हाइड्रोजन इसमें है तो सिक्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर देखिए ये, तो ये पूरी चीज ये आप जो देख रहे हैं ये थर्ड पार्ट है। तो पहला क्या हुआ ये वन रिएक्शन, सेकेंड पार्ट में इसका सेटजेड रूल, और थर्ड पार्ट में ये आपका रिएजेंट। इस टाइप से अगर आपको इबन मैकेनिज्म सीखना है तो आपको तीन स्टेप की जरूरत होती है, इसके अलावा अदर चीजें जैसे सॉल्वेंट इफेक्ट, तो इसमें पोलर सॉल्वेंट ठीक से होती है यानी पोलराइजेशन इसमें होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, तो मैंने जैसा बताया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अगर बेंजाइलिक से लेते हैं तो 3 डिग्री बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री एनायलिक, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री आता तो 2 डिग्री बेंजाइलिक 2 डिग्री एनायलिक, उसके बाद 1 डिग्री बेंजाइलिक 1 डिग्री एनायलिक, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और लास्ट में विनाइलिक। इस टाइप से इनका एल्काइल हैलाइड का होता है। उसके बाद लीविंग ग्रुप की बात करें, लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, वीक बेस बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, मैंने दूसरे रिएक्शन में भी बताया है। जैसे अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो आयोडाइड इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन F, ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है तो इनको आसानी से लीव किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं होती है, इन चीजों को आपको स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव ये भी चीज इसमें तैयार करना पड़ेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करके अगले में सिखाऊंगा आपको। लेकिन आपको अभी जो प्राइमरी लेवल पे आपको जो सीखना है जितना जरूरत है वो बस तीन स्टेप ध्यान रखिएगा, इवन मैकेनिज्म कैसे होती है, इसमें सेट रूट कैसे लगता है, उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि कार्बन का टाइम बनना है तो रीअरेंजमेंट होगा ही, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा ये भी आपको इसमें देखने को मिल गया। तो बस इतना सा आप तैयार करिए इवन इवन रिएक्शन में, इससे देखने से पहले आप इसके पहले ये वाला इसका नाम मैंने दिया है पार्ट 24, ये 24 है, 24 देखने से पहले 23 को जरूर देख लीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए शॉर्टकट है वो पहले देख लीजिए, उसके बाद में पार्ट 24 यानी इवन रिएक्शन मैकेनिज्म। कल के वीडियो में मैं आपको पार्ट 25 में E2 रिएक्शन मैकेनिज्म देने वाला हूं, फिर इनके डिफरेंस वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन आप शॉर्ट टू शॉर्ट आप इसको पढ़ते चले जाइएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बोल रहा हूं, अगर आप मेरे लास्ट वीडियो तक पहुंचेंगे नहीं तो मेरी लास्ट बात को भी आपको पता नहीं लगेगा। हर वीडियो को बारीकी से देखिएगा, देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन बनता है कि इसमें ये और मिलना चाहिए मुझे अच्छा, तो आप मुझे बताइए इसमें ये चीज और होना चाहिए तो मैं उसको और ऐड करूंगा और आपको और बेहतर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।